जब ऐसा सवाल यदि आपको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? जैसे आप स्क्वायर रूट जानते हैं, घन जानते हैं, क्यूब रूट जानते हैं, यानी घनमूल जानते हैं, वर्गमूल जानते हैं। यदि किसी के पावर 10 दिए हो, किसी के पावर 7 दिए हो, तो आप किस तरह इन्हें हल करेंगे? तो देखेंगे कैसे हल किया जाता है। आप कुछ जानते भी हैं कि इनको किस तरह तोड़ा जाता है। यदि जो व्यक्ति इनको तोड़ लिया वही इनका सोल्यूशन यानी हल निकाल देगा। तो अब यहाँ पे जैसे 128 है, अब 128 में हम किस तरह निकालेंगे, इनको भाग विधि से तोड़ेंगे। तो सबसे पहले 2 से इनमें जाएगा और 128 का 2 से ले जाएंगे तो 2 × 6 = 12 और 2 × 4 = 8। अब 2 से जाएगा। अभी काम करेंगे, जब किसी अंकों को 2 से भाग देते हैं तो पहले का आधा हो जाता है। जैसे 128 का 2 से भाग दिए तो 64 हो गया। अब 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 64 का आधा 32 होगा। तो इस तरह नीचे चले जाएंगे तो 2 से 32 जाएगा। अब 2 से इनको 32 में 2 से भाग जब देंगे तो देखिए कितने बार जाएगा, 16 बार जाएगा। तो 2 से ले जाएंगे तो 8 बार, 2 से जाएगा तो 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है। अब 2 से ले जाएंगे 4 का आधा 2, और 2 से ले जाएंगे तो 1 बार में। तो इनको देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 2 के पावर 7 इनको तोड़े तो मिला। हम लोग का इधर चल कितना रहा है, इधर हम लोग का बना है कि 128, यानी 128 के जगह पे हम 2 के पावर 7 पाए हम लोग, 2 के पावर 7। रूट का मान आप जानते हैं कि जब रूट हटता है तो रूट रहता है तो 2 होता है, लेकिन यहाँ करणी का मान कितना है, 7 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर, पहले से 7 है, और जैसे यहाँ से रूट, यहाँ करणी का चिन्ह हटता है तो उनके जगह पे लगेगा 1/7 के रूप में आता है ना, गुणते 1/7। तो 7 7 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, 2। तो 128 का यदि हम इस तरह हल करते हैं तो उनके मान कितना मिलते हैं, 2 मिलते हैं।